أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ साजिद लाल फ्रॉम काजी ग्रामर बॉयज़ हाई स्कूल लाहौर। होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग वेल एट होम। दिस इज़ चैप्टर नंबर 6, बायोटेक्नोलॉजी। आवर टुडेज टॉपिक्स ऑफ डिस्कशंस आर यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक री इंजीनियरिंग एंड GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट अ नोट ऑन यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के जो यूजेस हैं वो डिफरेंट फील्ड में हैं। सबसे पहले जो है फूड की फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ होती है, क्या चीज़ें बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, योगर्ट बनाने के लिए और चीज़ बनाने के लिए। ये अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो डिस्कस किया था कि योगर्ट जो है वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से जो है वो बनती है, इसी तरह से चीज़ और ब्रेड जो है वो यीस्ट उसमें इन्वॉल्व होती है। तो ये सारा जो मेथड है ये बायोटेक्नोलॉजी ही कहलाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके कोई बेनिफिशियल चीज़ जो है हम बना रहे हैं। उसके अलावा जो है सेकंड, वेस्ट मैनेजमेंट, के वेस्ट को किस तरह से मैनेज किया जाए, किस तरह से जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की जो फील्ड है उसको यूज़ करके आप वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले जो है कंपोस्टिंग प्लांट वेस्ट, प्लांट का जो वेस्ट होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल डेड लीव्स हैं, डेड प्लांट्स हैं, ऐसे पत्ते जो दरख्तों से झड़ जाते हैं वो ज़मीन पर गिर जाते हैं और वहाँ पर गल सड़ कर जो है कंपोस्टिंग के ज़रिए जो है वही सारा जो प्रोसेस होता है, मतलब प्लांट को जो है वो डिकम्पोज करके उसको जो है वो आपके फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट कर दिया जाता है, कंपोस्टिंग प्लांट वेस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसी मटेरियल को आप खाद के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से सीवेज ट्रीटमेंट है कि जितना भी सीवेज है उसको ट्रीट करके जो है वहाँ से जो है एडवांस कंट्री जो है वो सीवेज ट्रीटमेंट के ज़रिए जो है वो पानी को फ़िल्टर करते हैं। इसी तरह से एनिमल वेस्ट है, एनिमल वेस्ट में हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं जिस तरह से गोबर की खाद है, या गोबर को जो है वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद नंबर 4 है रिमूवल ऑफ टॉक्सिन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ऐसी स्पीशीज़ जो हैं प्लांट की या एनिमल की इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं जो कि एनवायरनमेंट से जो है टॉक्सिक मटेरियल को जो है वो एब्जॉर्ब कर लें। उसके बाद एग्रीकल्चर में जो है बायोटेक्नोलॉजी का काफ़ी रोल है। सबसे पहले आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो हम करते हैं, मतलब एक अच्छी वैरायटी को दूसरी वैरायटी के साथ, ऐसी वैरायटी जो कि नॉर्मल हो, जो इतनी बेहतर नहीं है, उसके साथ आप उसकी ब्रीडिंग करवा कर जो है एक अच्छी वैरायटी हासिल करते हैं, ये भी बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस है। फूड क्रॉप कल्टिवेशन प्रोसेस, मतलब खुराक लगाने के लिए, क्रॉप्स लगाने के लिए ऐसी क्रॉप जो जिसको हम अपने फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उससे पहले जो ज़मीन की तैयारी है उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी का काफ़ी रोल है। रिमूवल एक्सेस सब्सटेंस फ्रॉम लैंड सच एज सैल्ट, ज़मीन से जो है एक्सेस सब्सटेंस की रिमूवल में भी हेल्प करती है बायोटेक्नोलॉजी। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस जगह पर सॉल्ट ज़्यादा हो। उसके बाद स्पीड अप रिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन कहते हैं कि जंगलात को जो है वो तेज़ी से बढ़ाना, तो उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी का जो है आप अच्छी वैरायटी के, ऐसी वैरायटी के प्लांट लगाएं जो कि एनवायरनमेंट में जो है वो सस्टेन भी कर सकें, बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ भी सकें और ड्राउट कंडीशन में या सॉल्ट कंडीशन में जो है वो सर्वाइव कर सकें। और ये सारा प्रोसेस जो है वो आप बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए उनके जीन्स चेंज करके आप कर सकते हैं। तो इस वजह से जो है बायोटेक्नोलॉजी जो है वो स्पीड अप रिफॉरेस्टेशन में भी हेल्प कर रही है। जेनेटिक रीमॉडलिंग एंड करेक्शन, जैसे हमने बात की थी कि बॉडी के अंदर, प्लांट या एनिमल की बॉडी के अंदर अगर हम समझते हैं कि कोई बैड जीन मौजूद है उसको रिमूव करके उसकी जगह अच्छा जीन्स लगा दिया जाए, अच्छे जीन्स लगा दिए जाएं, तो उसको आप जेनेटिक रीमॉडलिंग कह सकते हैं और इसी तरह से ये करेक्शन भी हो गई है। फार्मास्यूटिकल ड्रग एंड वैक्सीन प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज़ में बनने वाली अद्वियात या वैक्सीन जो हैं वो सारे भी इसी प्रोसेस के थ्रू बनती हैं। ये तो यहाँ तक तो हमने ये डिस्कस कर लिए हैं यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ जेनेटिक रीइंजीनियरिंग। जेनेटिक रीइंजीनियरिंग क्या है, ये अगर आपको याद हो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जेनेटिक रीइंजीनियरिंग का मतलब ये है कि जीन्स को, बैड जीन्स को रिमूव करके उसकी जगह जो है वो अच्छे जीन्स लगा देना, ये जेनेटिक रीइंजीनियरिंग है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज़ जेनेटिक रीइंजीनियरिंग, आंसर इसका है
व्हाट इज़ जेनेटिक री इंजीनियरिंग? जेनेटिक री इंजीनियरिंग क्या होता है या क्या कहलाता है? इसका आंसर जो है मैं पढ़ने लगा हूँ। जेनेटिक री इंजीनियरिंग जो है, ये हम पहले भी ये वर्ड जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, जिसका मतलब है कि जीन्स को जो है रिमूव करके एक जगह से दूसरी जगह इंसर्ट करना, या एक ऑर्गेनिज्म से लेकर आप उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म में लगा दें, या बैड जीन को रिमूव करके अच्छे जीन्स लगा दें। तो ये सारा प्रोसेस जेनेटिक री इंजीनियरिंग है। इट इज़ अ प्रोसेस वेयर सम पीसेज ऑफ डीएनए आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। कहता है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए के कुछ पीसेज जो हैं एक ऑर्गेनिज्म से लेकर दूसरे ऑर्गेनिज्म में लगा दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डीएनए फ्रॉम अ स्मॉल स्वीट ऑरेंज कैन बी कम्बाइंड विद अ लार्ज स्लाइटली ब्लैंड ऑरेंज टू मेक अ लार्जर स्वीटर ऑरेंज। कहा जाता है, कहते हैं एक एग्जांपल ले लें कि आप एक छोटा जो ऑरेंज है जो कि स्वीट इन टेस्ट है, जो कि ज़्यादा मीठा है, उसको आप कंबाइन कर दें एक ऐसे ऑरेंज के साथ जिसका जो साइज़ तो है वो लार्ज है बट वो इतना जो है वो मीठा नहीं है। तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर दें तो इसके नतीजे में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बीइंग यूज्ड टू हेल्प ट्रांसफ़र ऑफ जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। तो कहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इसको यूज़ किया जाता है कि वो स्मॉल स्वीट ऑरेंज के जो जीन है वहाँ से वो जो स्वीटनेस काज कर रहे थे वो जीन्स जो हैं स्मॉल ऑरेंज से निकाल कर उसको इंसर्ट किया जाए ब्लैंड ऑरेंज में, ताकि जो वो दूसरा ऑरेंज है जिसका साइज जो है वो लार्ज है वो भी ज़्यादा मीठा हो। इसका आंसर पेज नंबर 77 पर मौजूद है बुक से। उसके बाद है व्हाट इज़ जीएमओ? जीएमओ कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके डीएनए जो है मॉडिफाइड कर दिया गया, मतलब उसमें जो है वो कुछ जीन जो है वो नए लगा दिए, और उस ऑर्गेनिज्म को आप कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसके जीन्स को आपने मॉडिफाइड कर दिया। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज़ जीएमओ? इसका आंसर है व्हेन द डीएनए इज़ इंसर्टेड एंड द ऑर्गन इज़ मॉडिफाइड टू अ न्यूअर फॉर्म। कहता है जब डीएनए जो है इंसर्ट किया कर दिया जाता है और ऑर्गन जो है वो मॉडिफाइड हो जाता है, एक नई शक्ल में डेवलप हो जाता है, बेहतर हालत में डेवलप होता है, इट इज़ कॉल्ड अ जीएमओ ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो इसको कहा जाता है कि ये जीएमओ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। सम ऑफ द पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इंक्लूड लेस व्हाट इज जीएमओ? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? इसका आंसर मैं आपको बताने लगा हूँ। व्हेन द डीएनए इज़ इंसर्टेड एंड द ऑर्गन इज़ मॉडिफाइड टू अ न्यूअर फॉर्म। कहता है जब डीएनए जो है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो है इंसर्ट कर दिया जाए और ऑर्गन जो है वो मॉडिफाइड हो जाए टू अ न्यूअर फॉर्म, एक नई फॉर्म में जो है वो डिवेल्प हो जाए, बेहतर हालत में डिवेल्प हो जाए, इट इज़ कॉल्ड अ जीएमओ ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, उसको जीएमओ कहा जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का। सम ऑफ द पॉपुलर एग्जांपल्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की उसने कुछ एग्जाम्पल दी हैं, इंक्लूडिंग लेस फ्लैचुलेंट काउस दैट प्रोड्यूस लेस मीथेन गैस। कहता है फ्लैचुलेंट का जो लफ्जी मतलब है कि जो स्टोमिक है वो कम उभरा हो, ऐसी का हो जो कि मीथेन गैस कम प्रोड्यूस करें, एंड कैबेज दैट इज़ हार्मफुल फॉर कैटल पिलर्स बट से फॉर ह्यूमन। और ऐसी कैबेज एक वेजिटेबल है जिसको हम गोभी भी कहते हैं, ऐसी कैबेज प्रोड्यूस की जाए जो कि कैटल पिलर के लिए, छोटे छोटे जो लार्वे होते हैं उनके लिए वो नुकसानदेह हो और इंसानों के लिए वो सेफ हो। तो ऐसे अगर ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर लिए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये जीएमओ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है जिसके जीन्स को जो है वो मॉडिफाइड कर दिया गया है। उसके बाद आप ये डायग्राम देख रहे हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए एंटर्स द होस्ट सेल, के जो रिकम्बिनेंट डीएनए है वो जो है होस्ट सेल में जो है किस तरह से एंटर हो रहा है। आप ह्यूमन सेल देखें, उसमें से उसने एक जीन सेपरेट किया हुआ है और इसी जीन को जो है मॉडिफाइड करना है, मतलब इसकी अगर आपने कॉपीज़ बनवानी है तो ये जो है बैक्टीरिया के ज़रिए इसकी कॉपीज़ बनवाई जाएंगी। बैक्टीरियम आप देख रहे हैं, उस बैक्टीरियम के अंदर प्लास्मिड है जिसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहा जाता है। इस प्लास्मिड को बैक्टीरिया से निकाला जाता है, इस प्लास्मिड का जो थोड़ा सा आपको ग्रीन इन पोर्शन नज़र आ रहा है उसको कट कर दिया जाएगा, वहाँ पर वो डीएनए वो जीन लगाया जाएगा जो उन्होंने इंसान से निकाला है। प्लास्मिड इज़ ओपन, प्लास्मिड जो है वो ओपन हो जाएगा और इसके ज़रिए जो है आप वो जो जीन है वो यहाँ पर इंसर्ट कर दिया जाएगा
और इसके नतीजे में जो है रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। अब उस रिकम्बिनेंट डीएनए की कॉपीज जो हैं वो बैक्टीरिया में जो है हर 20 मिनट के बाद बनती जाएंगी, तो इस तरह से जो है उसकी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। जिस तरह से हमने इंसुलिन की अगर बात की जाए तो इंसुलिन जो है वो भी इसी मेथड के तहत जो है वो प्रोड्यूस होती है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो जीन इंसुलिन बनाते हैं उनको वहाँ से निकाला गया, वो जीन लेकर बैक्टीरिया के जो डीएनए है प्लास्मिड है जिसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहा जाता है उसके अंदर वो जीन लगा दिए गए। अब जब वो जीन लगा दिए गए तो कम वक्त में जो है बैक्टीरिया के जो है वो रेप्लिकेशन होती रहती हैं, कॉपीज़ बनती रहती हैं, तो जितनी ज़्यादा कॉपीज़ बनेंगी इट मीन्स उतना ज़्यादा इंसुलिन बनता जा रहा है। तो मार्केट में जो इंसुलिन है या वैक्सीन है वो इस तरह से बनाई जाती है, इस मेथड के तहत बनाई जाती है। और GMO की डेफिनेशन भी है, एन ऑर्गेनिज्म विच हैज़ फॉरेन DNA इंटेग्रेटेड इनटू इट्स जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड GMO। कहता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने जेनेटिक मटेरियल में किसी फॉरेन DNA को इंटेग्रेट कर ले, शामिल कर ले, तो उसे आप GMO कहते हैं। ये उसने एग्जांपल दी हैं, दो ऑर्गेनिज्म के DNA दिखाए हैं। पहले ऑर्गेनिज्म से जो है येलो इन कलर का जो DNA है, सेक्शन ऑफ DNA है, उसने वो कट किया एंजाइम के ज़रिए, वो कट करके अब वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के DNA में इंसर्ट करा जो कि नीचे बॉटम में मौजूद है, जो कि ग्रे इन कलर है। अब उसके अंदर उसने इंसर्ट कर दिया, तो उसने नीचे लिखा हुआ है फॉरेन DNA इज़ इंटेग्रेटेड, कि फॉरेन DNA जो है बाहर से जो आया हुआ DNA का पीस है उसको जो है वो इंटेग्रेट कर दिया गया, वहाँ पर लगा दिया गया। इसके बाद ये बुक से मैंने कुछ पेज शेयर किए हुए हैं, ये आपने कर लेने हैं। और इंसुलिन जो है, इंसुलिन दैट इज़ यूज्ड बाय डायबिटिक्स वाज फर्स्ट मेड थ्रू जेनेटिक रीइंजीनियरिंग। कहता है इंसुलिन जो है जो डायबिटीज़ के लिए इस्तेमाल होती है शुगर के पेशेंट के लिए, वो जेनेटिक रीइंजीनियरिंग के ज़रिए ही बनाई जाती है। अदरवाइज जेनेटिक रीइंजीनियरिंग हैज़ हेल्प इज़ टू क्रिएट वैक्सीन एंड मेडिकेशन टू ट्रीट डिफॉर्विज्म अमंग इंडिविजुअल। कहता है इसी तरह से वैक्सीन्स बनाई जाती हैं और मेडिकेशन बनाई जाती हैं जो कि डिफॉर्विज्म, डिवॉर्फिज्म का मतलब होता है कि बोनापन, मतलब जिन लोगों की हाइट कम हो उनके लिए जो है वो मेडिसिन बनाई जाए ताकि उनकी जो हाइट है वो ठीक हो जाए। दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, थैंक यू सो मच।